जैन जैन साहब आओ। सुविधान मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट राकेश कुमार आज बन गए हैं ऑर्डिनरी कैप्टन। तो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, 15 अगस्त को, पिछला जो 15 अगस्त था 2021 को, इन्हें ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट रैंक मिला था और आज मिला है ऑर्डिनरी कैप्टन रैंक। इन्होंने सेना में 32 साल 6 महीने की नौकरी पूरी कर ली है और 1989 में मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने फौज ज्वाइन की थी और इनकी पेरेंट यूनिट है 16 गढ़वाल राइफल्स। पिछले 2 साल से ये 26 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी में कार्यरत हैं एज अ ट्रेनिंग एसएम। इन्होंने बहुत सारे डिफिकल्ट एरियाज में सर्व किया है जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जेएंडके और एनएसजी में भी इन्होंने सर्व किया है। बहुत सारे इन्होंने आर्मी के कोर्स किए हैं जैसे वेपन कोर्स, एडीपी, पीएसएम, जेएलसी, कमांडो कोर्स और पीसी कोर्स, और इन तमाम कोर्सेज में इनकी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग रही है। तो साहब की बहुत आला दर्जे की सर्विस रही है जिसके चलते प्रेसिडेंट ने इन्हें ऑर्डिनरी कैप्टन का रैंक दिया है जो कि हाईएस्ट रैंक होता है किसी भी सोल्जर के लिए जो एज अ जवान आर्मी ज्वाइन करता है। साहब आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बिकॉज ये एनसीसी यूनिट है तो मैं चाहूंगी कि एक एनसीसी कैडेट भी 2 शब्द हमारे साहब के लिए बोले, तो मैं आप में से रिक्वेस्ट करूंगी एक जना आए, आप ही आइए। सीमा, हमारे ट्रेनिंग एसएम साहब हैं राकेश कुमार, ये सर पिछले 2 सालों से हमारे बटालियन में कार्यरत हैं और सर को आज कैप्टन रैंक से नवाजा जा रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर एक ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक लीडर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सब मुझे औरों का तो नहीं पता पर मैंने इन सर से सीखा है, स्पेशली चरित्रवान किसे कहते हैं वो मैंने इन सर से सीखा है। रियली कहूँ तो मैं इन सर की फैन हूँ। चलिए थैंक यू वेरी मच सीमा। तो छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है आज।